नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो तब तक चलने वाला जब तक लोग दुनिया में बिजनेस करते रहेंगे और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती रहेगी। उस बिजनेस को आप सिर्फ 15,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं और दिन के 2 से 3 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। और वो बिजनेस कौन सा है, उसे आप कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। देखिए, अगर आप कोई लीगल काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस स्मूथली रन करना चाहते हैं तो आपके पास में प्रॉपर पेपर वर्क होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है तो आप कोई भी लीगल काम नहीं कर सकते हो और ना ही कोई बिजनेस आप स्मूथली रन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए ही होता है, और अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड या फिर सर्विस बेस्ड है तो आपको इनिशियल लेवल पर GST नंबर तो चाहिए ही होगा। साथ ही साथ आपको हर महीने ITR फाइल भी करनी होगी, और अगर कोई MSME है तो उसे उद्यम सर्टिफिकेट और MSME रजिस्ट्रेशन चाहिए ही होगा। फूड बिजनेस के लिए FSSAI का लाइसेंस चाहिए होगा। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस, NOC वगैरह वगैरह जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, और इन सब डॉक्यूमेंट्स को कुछ कुछ टाइम पर रिन्यू भी करना होता है। मतलब बिजनेस करना तो लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए लाइफ टाइम तक चक्कर लगाने ही होंगे। पहले उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में अच्छा खासा खर्च आता है, फिर उनको कुछ कुछ टाइम पर रिन्यू भी करना होता है, और उसमें भी कोई ना कोई खर्च आता ही है। अब बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए मोस्टली लोग CA के पास जाते हैं, और हर डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग CA अलग अलग चार्ज भी करता है। जैसे अगर कोई GST नंबर बनवाता है या फिर ITR फाइल करवाता है तो CA उनसे कम 2,000 रुपए तो चार्ज करता ही है, और जहाँ से लोग GST नंबर बनवाते हैं लोग अक्सर वहीं से ITR फाइल भी करवाते हैं। तो जरा सोचिए कि आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम शुरू करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस बनाने के लिए इनके बारे में नॉलेज होना भी तो जरूरी है, और GST और ITR के लिए CA होना भी जरूरी है, और हमें तो इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है तो हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं और एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बिना किसी नॉलेज और एक्सपीरियंस के ये काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। कंपनी के साथ जुड़कर आप लोगों को पैन इंडिया लेवल पर रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और 250 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, और उसके साथ में ऑल GST सर्विसेज लाइक GST रिटर्न, GST एनुअल रिटर्न, GST कैंसिलेशन, GST के नोटिस मेटर और इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न, स्टेच्यूटरी ऑडिट, पैन एप्लीकेशन, टैन एप्लीकेशन, PF ESIC रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग सर्विसेज, पेरोल सर्विसेज वगैरह वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन कौन करता होगा, तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि RBI ने बिजनेस करने वालों के लिए एक नई गाइडलाइन निकाली है जिसके अकॉर्डिंग आप बिना GST रजिस्ट्रेशन के बैंक में करंट अकाउंट तक नहीं खुलवा सकते। साथ ही साथ बिजनेस में जो फ्रॉड और स्कैम होते हैं उसको देखते हुए RBI ने हर बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी कर दिए, जिसकी वजह से हर कोई अपने बिजनेस को लीगल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये गाइडलाइन और भी स्ट्रिक्ट होने वाली है, इसलिए एक छोटा सा बिजनेस करने वाला भी अपने बिजनेस को लीगल करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना स्टार्ट करेगा। दोस्तों इस बिजनेस की खास बात यह है कि जो भी इंसान आपके यहाँ से GST नंबर बनवाएगा वो बार बार ITR और GST फाइल करने के लिए आपके पास ही आएगा। सो एक बार कस्टमर बनाने के बाद में आपके कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए आपके हो जाएंगे। अब जो कंपनी आपको इस तरह का बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है उस कंपनी का नाम है GST सेवा केंद्र। कंपनी के साथ जुड़ने के बाद में आपको कोई रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं करनी है, सिंपली आपको लोगों से मिलना, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, और जब लोग आपके पास में आए तो उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर GST सेवा केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड करना है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस कंपनी की तरफ से कर दिया जाएगा और आपको आपका कमीशन रखकर बाकी का पेमेंट कंपनी को कर देना है। तो अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप भी GST सेवा केंद्र के साथ जुड़ सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है तो फिर GST सेवा केंद्र बाकी कंपनियों से अलग कैसे है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बेनिफिट जो शायद ही आपको किसी दूसरी कंपनी में देखने को मिले, जैसे कि 1, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर। देखिए दूसरी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने पर आपको सारे काम खुद ही हैंडल करने पड़ते हैं। सपोर्ट के नाम पर आपको एक IVR कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाता है, और आप जब भी उस IVR नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपकी बात हमेशा एक नए स्टाफ से होगी, जिसकी वजह से आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन टाइम पर नहीं मिल पाता
पाता है, पर जीएसटी सेवा केंद्र ऐसा नहीं करता। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको कभी भी कोई भी सर्विस से रिलेटेड इशू या फिर क्वेरी है तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट मैनेजर आपको कंप्लीट सर्विस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको क्लाइंट से डील करना है, कि कैसे लीड जनरेट करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना वगैरह वगैरह। प्लस आपको जीएसटी सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी लॉगिन सिस्टम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको सिस्टम को यूज करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, साथ ही साथ आपको आपके लोकेशन में लीड कैसे जनरेट करना है, प्लस फेसबुक कैंपेन के थ्रू लीड जनरेट कैसे करना है, ये भी आपको अकाउंट मैनेजर ही सिखाता है। दूसरा, यूजर फ्रेंडली लॉगिन सिस्टम। जीएसटी सेवा केंद्र का फ्रेंचाइजी लॉगिन सिस्टम काफी यूजर फ्रेंडली है, उसे आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। इस पर काम करना काफी सिंपल है, जब भी आपको कोई कस्टमर मिले तो उसके डॉक्यूमेंट्स को आपको कलेक्ट करके उसे जीएसटी सेवा केंद्र के सिस्टम पर अपलोड करना है, उसके बाद में आगे का पूरा काम कंपनी करके देगी। तीसरा, बेस्ट कमीशन रेट। यहाँ पर आपको हर सर्विस पे अप टू 50% तक का कमीशन मिलता है और आप क्लाइंट से जितना चाहे उतना प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। इस चार्ज में कंपनी कोई इंटरफेयर नहीं करती है। आइए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जीएसटी सेवा केंद्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सिर्फ 400 रुपया चार्ज करती है। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इन 400 रुपए में से आपको सिर्फ 200 रुपए ही कंपनी को देने होते हैं, बाकी का बचा हुआ 200 रुपया आपका कमीशन होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मार्केट में एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने का लोग 1500 से लेकर 2000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। आप कस्टमर से कितना प्रीमियम अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस होगी। मैं मान लेता हूँ कि आप एक क्लाइंट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपया चार्ज करते हैं, तो आपको इस 1000 रुपए में से सिर्फ 200 रुपए कंपनी को देने होंगे और बाकी का बचा हुआ 800 रुपया आपका कमीशन होगा। और 2000 रुपए के हिसाब से आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर 1800 रुपए तक का कमीशन कमा सकते हैं। यानी हर दिन एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपने किया तो आप महीने के 54,000 रुपए आसानी से कमा लेंगे। ये तो मैंने बस एक सर्विस का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे जीएसटी सेवा केंद्र के पास 250 से भी ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल है, यानी आप सिंगल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और महीने का लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि आप जीएसटी सेवा केंद्र के साथ एज ए फ्रेंचाइजी जुड़ते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट एंड सपोर्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहला, वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। देखिए, यहाँ पर आपको लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी मिलने वाली है, उसके लिए आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद में ना तो आपको कोई रिन्यूअल चार्ज देना और ना ही कोई रॉयल्टी फीस। आपको हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे कंपनी को सिर्फ 200 रुपए देने होंगे, बाकी का सारा बचा हुआ अमाउंट आपका प्रॉफिट होगा। दूसरा, मोनोपोली फ्रेंचाइजी मॉडल। जीएसटी सेवा केंद्र मोनोपोली फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है, मतलब एक बार आप इनके पार्टनर बनते हैं तो आपके अंदर जो एरिया आता है वहां पर लाइफ टाइम तक कोई दूसरा पार्टनर नहीं बन सकता है। तीसरा, नो टारगेट। यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से कोई भी टारगेट नहीं दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से जितना ज्यादा काम करेंगे आप उतना ही अर्निंग कमा पाएंगे। यानी अगर आपको बिजनेस या फिर जॉब कर रहे हैं और डेली आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन भी टाइम निकाल कर ये काम कर सकते हैं, या फिर दिन के कुछ घंटे भी इस पर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। चौथा, मार्केटिंग टूल्स। कंपनी की तरफ से आपको मार्केटिंग टूल्स जैसे कि बैनर, स्टैंडी बैनर, 500 विजिटिंग कार्ड और ऑनलाइन मार्केटिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी मदद से आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल पाएंगे। पांचवा, ट्रस्टेड कंपनी। दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट पर आपको इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो आप कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़कर इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। छठा, नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड। दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको अलग से स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस या फिर स्टोर है तो वहाँ पर भी आप इसका काम शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो इस काम को आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट की जिन्हें आप अपने काम के बारे में बता सके, जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिल पाए। सातवा, रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस। देखिए दोस्तों, कंपनी आपको 4 तरीके के फ्रेंचाइजी मॉडल प्रोवाइड करती है, जिसमें पहले मॉडल का प्राइस है 15,000 रुपए, जिसमें आपको मार्केटिंग टूल मिलेंगे, और अगर आपने 1 साल के अंदर 2,00,000 रुपए का बिजनेस कर दिया तो आपको 15,000 रुपए भी रिफंड कर दिए जाएंगे। दूसरे मॉडल का फ्रेंचाइजी फीस है 25,000 रुपए, जिसमें आपको मार्केटिंग टूल फ्री में मिलेंगे और जो 25,000 रुपए आप कंपनी को देंगे वो आपको वॉलेट अकाउंट में मिलेंगे। तो इसमें आप जब भी किसी कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो 200 रुपए कंपनी को देने होंगे वो आपको कंपनी को अलग से देने की जरूरत नहीं है, वो आपके वॉलेट से ही कट जाएंगे। यानी कस्टमर से आप जो भी चार्ज करेंगे वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका ही होगा। जब आपके वॉलेट में 25,000 रुपए खत्म हो जाए तो आप उसे वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, यानी आप इसे 0 इन्वेस्टमेंट मॉडल भी कह सकते हैं। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, जिसके लिए आपको 50,000+18% जीएसटी पे करना होगा। इस फ्रेंचाइजी में आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑनर रहेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। रही बात अर्निंग की, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी फ्रेंचाइजी है वो जितना भी सेल करेंगी उनका 10% मार्जिन आपको मिलेगा, और जो भी फ्रेंचाइजी आपके डिस्ट्रिक्ट में ओपन होगी तो पर फ्रेंचाइजी पर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। और चौथा मॉडल है स्टेट लेवल का मॉडल, जिसकी फ्रेंचाइजी फीस है 20,00,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी। अब दोस्तों, भले ही आपको अमाउंट सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि ये फ्रेंचाइजी आपको स्टेट लेवल पर मिलेगी और उस पर्टिकुलर स्टेट पर जो भी जीएसटी सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी होगी और उनसे कंपनी को जो भी रेवेन्यू मिलेगा उसका 10% आपको भी मिलेगा। यानी अगर कंपनी को 1 महीने में उस स्टेट की सारी फ्रेंचाइजी को मिलाकर 10
लाख रुपए का रेवेन्यू आता है तो आपको उस एक महीने का 1 लाख रुपया प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की तरफ से मिलेगा। और कंपनी ये गारंटी देती है कि इस फ्रेंचाइजी मॉडल में आप हर महीने 50,000 रुपए तो आसानी से कमा ही सकते हैं। साथ ही आप उस पर्टिकुलर स्टेट में जीएसटी सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। दोस्तों इस फ्रेंचाइजी को वैसे तो कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर कोई पहले से ही फाइनेंस बैंकिंग सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस या मनी ड्राफ्ट का बिजनेस कर रहा है तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास में पहले से ही कस्टमर होंगे, तो बस उन्हें अपने कस्टमर्स को इस नए काम के बारे में बताना होगा, जिसकी वजह से पहले दिन से ही आपकी इनकम शुरू हो सकती है। सो दोस्तों ये थी जीएसटी सेवा केंद्र से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको इससे जुड़ा कोई भी डाउट या फिर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू आप कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीएसटी सेवा केंद्र का फॉर्म भी दिया गया है, उसे फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं और कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और इनकी फ्रेंचाइजी लेकर महीने के लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।